गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रेगुलर की तरह मॉर्निंग में उठकर मैं बेटू के लिए बना रही थी टिफ़िन, उसको स्कूल भेजने के लिए तैयार भी कर रही थी, तभी हस्बैंड आए 24 घंटे ड्यूटी से वापस। और आने के बाद उन्होंने बोला कि आज मेरा छुट्टी है, तो सडन प्लान बन गया कि चलो आज हम पूरी से घूम कर आते हैं, वरना होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे छुट्टी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो जो नाश्ता मैंने बनाया था वो टिफ़िन में पैक कर लिया है, डुग्गू को थोड़ा सा खिला दिया है कॉर्नफ्लेक्स और दूध, और फिर हमने भी थोड़ा बहुत चाय वाय पी लिया है क्योंकि खाना नहीं खाया है, पूजा भी देंगे। तो नहा के अभी मैं तैयार हो रही हूँ, घर का काम कुछ नहीं किया है, वैसे के वैसे ही पड़ा है, चलो आके करेंगे। एक दिन तो हम स्टे करने वाले थे एक नाइट, बट होगा नहीं क्योंकि सुबह हो सकता है कि हस्बैंड का ड्यूटी हो, तो आज ही हमें वापस आना पड़ेगा। सो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लगा है अपने फेस में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो सनस्क्रीन और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बस, और थोड़ा सा लिपस्टिक, कान खाली था जो झुमका पहन लिया। बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैं ले रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि उनका कपड़ा भीग जाए, बेटू का तो भीगेगा ही भीगेगी क्योंकि वो बीच के नाम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और हम लोग भी हैं पर हम लोग नहीं नहाने वाले हैं, अगर स्टे करती तो ज़रूर नहाती बट अभी नहीं होगा। तो चलिए निकल जाते हैं, घर का सारा काम, मतलब काम नहीं मतलब कार जो है वो बंद कर दिया है, हो सकता है बारिश हो तो पूरा घर भीग जाएगा। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं पूरी, बहुत दिनों का ख्वाहिश जो है वो आज पूरा हो रहा है। यहाँ पे आए हुए हमें हो गया है 1 साल, और 1 साल बाद हम जा रहे हैं पूरी। इतने करीब रहने के बावजूद भी हम नहीं जा पाए इतने दिन, सो आज फाइनली जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ क्योंकि फाइनली हम जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करेंगे, देखेंगे। तो चलिए पहले गाड़ी को थोड़ा सा खाना पीना करवा देते हैं क्योंकि यहाँ से पुरी का डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर है, तो जाने के लिए 1 घंटा पक्का लगेगा। और 2 दिन में बारिश इतना ज़्यादा हुआ है, नदी में पूरा भर भर के पानी है, नदी में पूरा पेड़ जो है वो डूब गया है, लगभग ऊपर का थोड़ा सा डालिया दिख रहा था। और यहाँ पे देखिए आप लोगों से बक बक करते करते पूरी लगभग पहुँच चुके हैं 42 किलोमीटर यहाँ से, और डुगू भी मेरे गोदी में सो चुका है। बाइक में तो नींद आता ही है, मतलब गाड़ी में चढ़ने से बच्चों को नींद आ जाता है, बेटों को भी नींद आ जाती है, पर दोनों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है गाइस, बट क्या करें। और यहाँ पे सिर्फ कोकोनट का ट्री ही मिलेगा, और अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं, वहाँ से दिख रहा है ना मंदिर छोटू सा। सो हस्बैंड अभी गए हैं गाड़ी रखने के लिए और हम अभी खड़े हैं, अभी हम जाएंगे अंदर। यहाँ से तो फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो फ़ोन वगैरह यहाँ पे जमा करना पड़ेगा और फिर पूजा करके आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी हम पूजा करके भी आ चुके हैं, निकल चुके हैं, पूजा करने में थोड़ा सा टाइम भी लगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था, मैं सोचा नहीं थी कि इस टाइम पर इतना ज़्यादा भीड़ होगा। और धक्का मुक्की में तो डुगू पूरा रोने लगा था क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा था, नीचे अगर कोई गिर जाता तो उठ नहीं पाता। फिर निकल गए हम बीच जाने के लिए, और जाते हुए हमने एक दुकान में खड़ा होकर थोड़ा सा इडली वगैरह खा लिया था क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाई थी, भूखा प्यासा था। डुगू को भी थोड़ा सा केला वगैरह खरीद के खिला दिया, बेटे को भी वो पास्ता खिलाया। फिर हम आए हैं यहाँ पे, ये शायद गोल्डन बीच है, मुझे इतना पता नहीं है, शायद मुझे लगता है जो। तो यहाँ पे आने के बाद वेव्स इतना बड़ा बड़ा था, मतलब देखने से ही डर लग रहा था कि पानी अगर आएगा धकेल के ले जाएगा उधर में। तो दीघा में जो हम गए थे समुंदर में, वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा वेव्स नहीं था, और बॉम्बे में भी इतना बड़ा बड़ा वेव्स नहीं थे, यहाँ पे पानी का ये बहुत ज़्यादा है, वेव का जो क्या बोलूँ, बहुत शक्तिशाली वेव्स हैं। तो चलिए हम इंजॉय करते हैं थोड़ा सा बीच को, नज़ारे का, और आप ही कीजिए हमारे साथ। Oh, yeah.
वेव एक साथ इतने जोर से आया कि बेटो तो गिर पड़ी, और डुगू भी सामने तब खड़ा हुआ था, तो डुगू को पकड़ने के चक्कर में मेरा बैग, मेरा आधा पूरा कपड़ा गीला हो गया था। बट क्या करे, मैंने तो कपड़ा लाया नहीं। फिर दोनों बच्चों का कपड़ा जो है वो चेंज करवाया। डुगू का पूरा सर से पैर, पूरा पैर तक गीला हो गया था, इतना ज़्यादा पानी आ गया था। अचानक से अगर मैं उसको नहीं पकड़ती तो शायद उसको भी ले जाता। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, अचानक से इतना ऊपर उठ जाएगा मुझे पता भी नहीं था, इतना नीचे पानी था पर अचानक से आ गया। फिर हमने थोड़ा सा कोकोनट वाटर पिया क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ था, और अपना हाथ पैर मुंह का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका, इतना ज़्यादा टैन हो गया है इतने टाइम में। तो चलिए अभी और कोई बीच में हम जाएंगे घूमने के लिए। डुगू को जूता जो है वो पहनने के लायक नहीं है, पूरा रेत ही रेत है, और पूरा फ़ोन में ना वाइट वाइट सा एक लेयर पड़ रहा था। हवा इतना तेज़ था और हवा में समुंदर का पानी भी आ रहा था, तो पूरा नमक ही नमक हो गया पूरा बॉडी में। तो यहाँ पे और एक पार्क में हम आए थे, सामने इतना सा प्यारा बहुत ही सुंदर एक पार्क भी था और सामने समुंदर था, नज़ारा बहुत है। अगर हम यहाँ पे रहते ना तो रोज़ शाम को आते और यहाँ पे थोड़ा सा घूम के जाते, मन पूरा शांत हो जाता। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए घूमेंगे फिर और एक बीच में चले जाएंगे। पूरा वीरान सा लग रहा था यहाँ पे, एक दो ही था लोग, पूरा खाली था जो बीच था। तो फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं। हम जो बीच ढूंढ रहे थे ना वो था यह कि दीघा में जब हम गए थे ना सी फूड मिलता है बीच में, तो हमने सोचा कि चलो सी फूड अगर मिलता है तो वो भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे, बट मिला नहीं। हमने चेक किया, बहुत ढूंढा, तो पता चला कि 5 बजे के बाद ही जो दुकानें हैं वो ओपन होता है सी बीच में। तो यहाँ पे तो सारा दुकान देखिए अभी बंद है। तो हमने क्या किया, थोड़ा बहुत आइसक्रीम भी खाया और अभी लंच भी करेंगे क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते शायद 4:30 हो जाए। अभी ऑलमोस्ट 1:30 हो चुका है टाइम। तो इस बीच में थोड़ा सा घूमने के बाद, इसका नाम क्या है, क्या नाम है पता नहीं मुझे, फिर लंच करने के बाद हम निकल चुके, बाद में बताएंगे उस बीच का नाम है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से ज़रूर मिलता है।